डिप्लोमा, वन सब्जेक्ट की हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल इज एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मेडिकल और सर्जिकल केयर, वेयर मेडिकल और सर्जिकल केयर एंड ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर and treatment is provided for the ill or injured by team of trained staff using specialized equipment. तो hospital हम किसको कहते हैं? hospital वो जगह है, वो establishment है जहाँ पे surgical चाहे medical care और surgical और medical or medical care और ट्रीटमेंट होता है किसका, जो इल है, इंजर्ड है बाय द ट्रेंड प्रोफेशनल। ट्रेंड प्रोफेशनल में हमारे क्या आते हैं? क्लिनिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ। मेडिकल में क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल में हम जैसे एमडी मेडिसिन या ईएनटी सर्जन, ये सारे हमारे जो भी हमारे क्लिनिकल रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उसको क्लिनिकल स्टाफ। नॉन क्लिनिकल में हमारे आते हैं माइक्रोबायोलॉजी, एमडी पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट क्या हैं? नॉन क्लिनिकल है। इसके बाद जो हमारे ट्रेंड स्टाफ प्रोफेशनल में आते हैं, नर्सेस, फार्मासिस्ट एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ। अदर सपोर्टिव स्टाफ में हमारे जैसे उसके HVAC या HU के लिए, मेंटेनेंस के लिए या ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हमारा आता है हॉस्पिटल का डेफिनेशन, अभी क्लियर है। हॉस्पिटल इज एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर मेडिकल और सर्जिकल केयर एंड ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स। इसके बाद हॉस्पिटल के बाद क्या आता है कि हॉस्पिटल का भी कम हो गया कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे मेडिकल केयर, सर्जिकल केयर से हम ट्रीटमेंट करते हैं, और वो ट्रीटमेंट किसके द्वारा होता है? ट्रेंड प्रोफेशनल। ट्रेंड प्रोफेशनल में हमारा ट्रेंड प्रोफेशनल, ट्रेंड प्रोफेशनल में सबसे पहले हमारा आता है डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस में ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ये सारे टेक्नीशियंस आते हैं। इसके बाद होता है हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ पे हमारा रिसोर्सेज यूज करते हैं, लाइक सर्विस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिजिकल फैसिलिटीज, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड फंड आर ऑर्गेनाइज। इन सब को एक जगह प्लेस करके हमारा हॉस्पिटल बनता है। आज के डेट में जो हमारे मॉडर्न हॉस्पिटल है, मॉडर्न हॉस्पिटल क्या है कि सेंटर ऑफ केयर एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। जो हॉस्पिटल है वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ करते हैं, सेंटर ऑफ केयर हैं, जिसके वजह से हमारे में अभी हेल्थ अवेयरनेस लोगों में अभी धीमे धीमे थोड़ी ज्यादा आ रही है। तो हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टू प्रोवाइड ए हेल्दी कम्युनिटी। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो हमारे कम्युनिटी है, जो हमारे पर्सन है, वो क्या रहे, उनका हेल्थ अच्छा रहे। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल।
फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, सबसे पहला फंक्शन होता है हॉस्पिटल का टू टेक ए केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट। सबसे पहला क्या होता है हमारा फंक्शन हॉस्पिटल का, टू टेक ए केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट। सेकंड फंक्शन होता है रिस्टोरिंग एंड कीपिंग अप, रिस्टोरिंग एंड कीपिंग अप गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहला फंक्शन होता है हॉस्पिटल का टू टेक ए केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पेशेंट, जो हमारे बीमार या किसी का एक्सीडेंटल पेशेंट है या इंजर्ड पेशेंट है उसका केयर करना। सेकंड होता है रिस्टोरिंग एंड कीपिंग अप गुड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, हमारे समाज का हेल्थ अच्छे कंडीशन में रिस्टोर और मेंटेन करना। थर्ड फंक्शन होता है हॉस्पिटल का टू प्रमोट गुड सर्विसेस टू पेशेंट फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम डिजीज एंड पेन। थर्ड फंक्शन है टू प्रमोट गुड सर्विसेज टू पेशेंट फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम डिजीज एंड पेन। जो भी पेशेंट है, जो भी बीमार पर्सन है, उसको बीमारी से बचाना और पेन से रिलीफ देना और गुड सर्विस प्रोवाइड करना है पेशेंट के लिए। फोर्थ फंक्शन होता है टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ डिजीज थ्रू early detection and treatment। ऑब्जेक्टिव होता है फंक्शन होता है टू मेक ट्रेंड एंड स्किल
ill physician and nurses. सिक्स फंक्शन होता है टू मेंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉस्पिटल फॉर्मूले दे. जो फंक्शन है हॉस्पिटल के फोर्थ फंक्शन क्या है हमारा, टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. किसी भी बीमारी का इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट करना, उसको पता करना और उसका ट्रीटमेंट करना, इसकी वजह से जितनी बीमारी है, बीमारी का जो सीवियरनेस है, जो उसका सीवियरनेस है, वो अर्ली स्टेज में पता होने से कम हो जाता. इसके बाद का जो फंक्शन है टू मेक ट्रेंड एंड स्किल फिजिशियन एंड नर्सेस. जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं वो भी एक हमारे हायर क्लास के हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे फिजिशियन और जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो अटैच रहते हैं किसी भी हॉस्पिटल से. तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है. इन ट्रेनिंग के थ्रू एक स्किल्ड और ट्रेंड प्रोफेशनल बनाए जाते हैं. उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी प्रोफेशनल जो वो इंक्रीज होती है. उसके बाद है टू मेंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉस्पिटल फार्मुलेरी. जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं किसी हॉस्पिटल में, बहुत से भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन होता है, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं मेडिसिन के, फेज 2 एंड फेज 3. और इनके खुद के एक हॉस्पिटल फार्मुलेरी होती है, जिसकी वजह से मतलब कौन सा हम ड्रग दे रहे हैं, उसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, उसकी क्या एफिकेसी है, क्या रेट है, वो सारी स्टडी होती है. ये भी हमारे हॉस्पिटल के फंक्शन आते हैं. इसके बाद जो फंक्शन है टू प्रमोट रिसर्च इन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड. बहुत से हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो भी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल मीन्स जो भी हमारे ड्रग के फार्मुलेशन है, डिफरेंट डोजेस फार्म है, उसका क्या एफिकेसी है, क्या रिजल्ट है, उसके एडवर्स रिएक्शन क्या है, क्या डोजिंग है, ED50 LD50, ये सारी स्टडी भी एक हॉस्पिटल के अंदर की जाती है. ये भी हॉस्पिटल के फंक्शन होता है. इसके बाद का जो फंक्शन है टू टेक केयर पेशेंट बाय यूजिंग एडवांस नॉलेज एंड इंस्ट्रूमेंट. जो भी हमारे एडवांस नॉलेज है मेडिकल फील्ड का, जो भी हमारा मेडिकल फील्ड है उसके थ्रू, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को केयर करते हैं. इसके बाद है टू कंट्रीब्यूट इन प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी. मेन फंक्शन है हॉस्पिटल का कि कोई भी बीमारी कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड होने से उसको प्रिवेंट करता, उसको रोकना. किसी भी बीमारी का स्प्रेड होने से रोकना भी है हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है. इसके बाद होता है इट सर्व्स एज लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड ऑफिस हेल्थ टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ. जो भी हमारे सोशल के या कम्युनिटी की हेल्थ है वो एज ए वर्क करता है कोरिलेशन बिटवीन हेल्थ एजेंसी. जो भी हमारी हेल्थ एजेंसी है WHO या जो भी गवर्नमेंट की हेल्थ एजेंसी है या जो भी डिपार्टमेंट है
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके बीच का ये ऑफिस का वर्क करता है। प्राइमरी फंक्शन इज टू टेक केयर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। हॉस्पिटल का मेन सबसे मेन फंक्शन होता है जो भी हमारे इन पेशेंट है, इन पेशेंट मतलब जो पेशेंट हमारे एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और आउट पेशेंट जिसको हम ओपीडी बोलते हैं, आउट पेशेंट दो जो पेशेंट हमारा वर्क करके आता है और वो प्रिस्क्रिप्शन अपना मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनको हम बोलते हैं इन पेशेंट। इनका केयर करना ही हॉस्पिटल का फंक्शन है, तभी हमारे हॉस्पिटल के सारे फंक्शन हो गए। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल का फंक्शन डिफिनेशन हो गया, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। सबसे पहला आता है हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल आर, इसको दूसरा नाम करते हैं क्लिनिकल बेसिस क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जो हमारे बीमारी है, जो हमारे क्लिनिकल बीमारी, उसके बेसिस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल बेसिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में क्या है, इंटरनल मेडिसिन है, फिजिशियन है, ट्यूबरक्लोसिस है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ये सारे क्या आते हैं ऑन द मेडिसिन। इसके बाद दूसरा हॉस्पिटल होता है सर्जरी। तो सर्जरी में हमारे ऑर्थोपेडिक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनोकोलॉजिकल सर्जरी है, ये क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्जरी। इसके बाद मैटरनिटी, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बेसिस है। इसके बाद होता है नॉन क्लिनिकल बेसिस क्लासिफिकेशन। पहला हो गया क्लिनिकल, इसमें मेडिसिन है, सर्जरी है और मैटरनिटी हॉस्पिटल है। नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल में पहला क्लिनिकल हो गया, इसके बाद नॉन क्लिनिकल बेसिस क्लासिफिकेशन। इसमें आता है सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल बेसिस क्लासिफिकेशन। नॉन क्लिनिकल बेसिस क्लासिफिकेशन में आता है सबसे पहले सिविल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसको बोलते हैं पहला है सिविल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सिविल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें क्या आते हैं, they are the PSC जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारे क्या हैं सिविल हॉस्पिटल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेकंड हो गया सिविल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो भी इसका रेगुलेशन है या इसका ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग बॉडी है, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमारा आता है जो एम्स हो गया, आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, जो कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, ये सारे रेलवे के हॉस्पिटल हैं, ये कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। इसके बाद आता है लोकल या जो हमारे ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं, लोकल गवर्नमेंट या ट्रस्टी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल क्या रहते हैं? किसी भी लोकाष्ट में हमारे एक ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर में गोरखनाथ हॉस्पिटल है, वो कौन सा है? ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। इसके बाद आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि ये रन किए जाते हैं किसी प्राइवेट ट्रस्टी द्वारा या प्राइवेट पर्सन द्वारा। इसमें हमारे आते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या होता है, ये हॉस्पिटल रन किया जाता है किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा, जैसे हमारे प्रोटीस हो गया, मेदांता हो गया, ये सारे क्या है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। हमारा दो ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल का टाइप में पहला हो गया क्लिनिकल, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल, उसके बाद हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल में हमारा हो गया सिविल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसके बाद लोकल सेल्फ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये तीसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सबसे पहले आता है लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल को बोलते हैं जहां पे इन पेशेंट की कैपेसिटी मोर देन 1000 बेड होता है। जिस हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा बेड होता है उसको हम बोलते हैं लार्ज हॉस्पिटल। इसके बाद आता है मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल में क्या होता है, जिस हॉस्पिटल में बेड की संख्या 500 से 1000 के बीच में होती है, लार्ज हॉस्पिटल वो है जिसमें हमारा बेड की संख्या 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा होती है, हम उसको बोलते हैं लार्ज हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल बोलते हैं जहां पे हमारे बेड की संख्या 500 से 1000 के बीच होती है। इसके बाद तीसरी और कैटेगरी आती है, वो बोलते हैं स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल में क्या होता है कि जहां पे बेड की संख्या 100 से 500, जिस हॉस्पिटल में बेड की संख्या 100 से 500 के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल हॉस्पिटल। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी आती है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल।
वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में क्या होता है, जहाँ पे बेड की संख्या 100 बेड से कम होती है, उसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। ये हो गया हमारे हॉस्पिटल के टाइप। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बेसिस, उसमें हमारा मेडिसिन, सर्जरी और मेटर्निटी। ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्लिनिकल बेसिस, उसमें हमारा क्या था, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रस्टी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज में लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल में जिसमें बेड की संख्या 1000 से ज़्यादा होती है। उसके बाद मीडियम हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल में जहाँ पे बेड की संख्या 500 से 1000 के बीच में होती है। उसके बाद हमारा स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें बेड की संख्या 100 से 500 के बीच में होती है उसको। और फोर्थ कैटेगरी होती है वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में बेड की संख्या लेस देन 100 बेड से कम होती है, उसको हम बोलते हैं वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। क्लिनिकल बेसिस में हमारे जो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बेसिस में जो हॉस्पिटल होते हैं, क्लिनिकल बेसिस में पहला होता है टाइप ऑफ डिजीज, टाइप ऑफ डिजीज में टीबी हॉस्पिटल, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसके बाद हमारा मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल के बाद लेप्रोसी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज। ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज में हमारे जो हॉस्पिटल के टाइप हुए, टीबी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, लेप्रेसी हॉस्पिटल, ये सारे क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज। इसके बाद होती है हमारा टाइप ऑफ पेशेंट, मतलब एक तो हो गया कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के हॉस्पिटल कौन से हैं। इसके बाद कौन से टाइप का पेशेंट है, इसके बेसिस पे हमारा हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे गायनोकोलॉजिकल हॉस्पिटल, ये भी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट है। मैटरनिटी हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, ये सारे क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट, पेशेंट के टाइप पे, टाइप ऑफ पेशेंट है उसके बेसिस पे। इसके बाद आता है हमारा थर्ड कैटेगरी है टाइप ऑफ मेडिसिन। टाइप ऑफ मेडिसिन का मतलब कि हमारा कौन सी पद्धति से हम इलाज करते हैं, कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं। टाइप ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले आता है हमारा एलोपैथी मेडिसिन। एलोपैथी मेडिसिन हो गया आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, होम्योपैथिक हो गया, यूनानी हो गया, नेचर केयर हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन के हॉस्पिटल हो गया। हो गया सबसे पहले एलोपैथी, जो जनरल मेडिसिन यूज करते हैं एलोपैथी कैटेगरी के, जहाँ पे वो मेडिसिन यूज करते हैं उसको बोलते हैं एलोपैथिक हॉस्पिटल। इसके बाद हमारा आता है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बाद हमारा आता है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ जिस हॉस्पिटल में ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज की जो बीमारियाँ हैं उसका ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से करते हैं, वो हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इसके बाद आता है नेचर केयर, नेचर केयर सेंटर। नेचर केयर सेंटर में हम नेचुरल प्रोसेस से हम किस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं नेचर केयर सेंटर। इसके बाद फिजियोथेरेपी सेंटर। फिजियोथेरेपी सेंटर में हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है
फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर। इसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गन, एक बार रुक दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ ऑर्गन। टाइप्स ऑफ ऑर्गन में सबसे पहले हम जिसको बोलते हैं ईएनटी हॉस्पिटल, इसको आंख नाक कला हॉस्पिटल, ईएनटी हॉस्पिटल हो गया। इसके बाद आई हॉस्पिटल, यह भी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल और किडनी हॉस्पिटल। जहाँ पे किसी स्पेसिफिक हम ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन हॉस्पिटल। इसके बाद आता है जो हमारी चार कैटेगरी हो गई हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट में सबसे पहले जो कास्ट आती है इलीट क्लास जो हम हॉस्पिटल बोलते हैं, इलीट क्लास हॉस्पिटल में एलिट क्लास हॉस्पिटल में क्या होता है कि इस हॉस्पिटल में हमारी कास्ट ज्यादा रहती है और इसमें फैसिलिटी वाइज काफी ज्यादा रहता है, इनका जो बेड के चार्जेस और पेशेंट केयर के चार्जेस काफी ज्यादा रहते हैं, जस्ट लाइक ब्रिज कैंडी जसलोक हॉस्पिटल, ये क्या है एलिट क्लास हॉस्पिटल। इसके बाद होता है लो बजट हॉस्पिटल, पहला हो गया एलिट क्लास, उसके बाद हमारा हो जाता लो बजट हॉस्पिटल। लो बजट हॉस्पिटल में हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हमारे जो पेशेंट केयर लो बजट हॉस्पिटल में क्या होता है जो भी पेशेंट के चार्जेस या मेडिसिन के चार्जेस ऑपरेशन कास्ट जो सारी चीजें ये क्या रहती कम रहती है, ये हमारा लो बजट हॉस्पिटल होते हैं। इसके बाद आता है अदर्स, अदर्स में हमारे अदर्स कैटेगरी में क्या बोलते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल मतलब जो भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे क्या है टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल हैं। तो हमारे हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन हो गया सारा, पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल, इसके बाद नॉन क्लिनिकल बेसिस, क्लिनिकल में हमारा मेडिसिन सर्जरी मेटर्निटी ये सारे हमारे हॉस्पिटल थे। इसके बाद था हमारा नॉन क्लिनिकल बेसिस में सबसे पहले था हमारा सिविल या स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रस्टी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सारे क्या थे ऑन द बेसिस ऑफ नॉन क्लिनिकल। इसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज में लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल में जिस जहाँ पे हमारे बेड की संख्या 1000 से ज़्यादा होती है। इसके बाद मीडियम हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल में क्या था कि जहाँ पे बेड की संख्या 500 से 1000 के बीच में होती है वो हमारे मीडियम हॉस्पिटल थे। स्मॉल हॉस्पिटल में क्या तो होता है जहाँ पे बेड की संख्या 100 से 500 के बीच में होती है, और वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में जहाँ पे बेड की संख्या 100 से भी कम होती है। इसके बाद हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन, कौन से थेरेपी से हम उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, कौन से टाइप की मेडिसिन यूज होती है, उसके बेसिस पे हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन था। इसमें हमारे 5 टाइप के हॉस्पिटल होते, पहला एलोपैथी हॉस्पिटल, इसके बाद था होम्योपैथिक हॉस्पिटल। एलोपैथिक हॉस्पिटल में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा एलोपैथिक मेडिसिन यूज होती है, जहाँ पे हम मॉडर्न साइंस का यूज करते हैं। इसके बाद था हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल में हम होम्योपैथिक थेरेपी के मेडिसिन यूज करते हैं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेचुरल केयर हॉस्पिटल, नेचुरल केयर में हम नेचर के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। और फिजियोथेरेपी, सर एक मिनट, मेडिसिन इसमें था हमारा एलोपैथिक, एलोपैथिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेचर केयर हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। इसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल, उसमें हमारा सबसे पहले था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिजीज, कौन से टाइप की बीमारी है उस बीमारी के लिए जो हॉस्पिटल है उसको हम बोलते हैं। सबसे पहले था हमारा उसमें टीबी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल,
मेंटल हॉस्पिटल, लेप्रसी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे क्या हैं? एक स्पेसिफिक बीमारी के जो हॉस्पिटल हैं उसका ट्रीटमेंट के जो हॉस्पिटल है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिजीज हॉस्पिटल। इसके बाद था हमारा ऑन द बेसिस टाइप ऑफ ऑर्गन, और एक स्पेसिफिक ऑर्गन का जो ट्रीटमेंट है उस हॉस्पिटल को हम बोलते हैं, जैसे इसमें ENT, आई हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, किडनी हॉस्पिटल, लीवर हॉस्पिटल, ये सारे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन। इसके बाद था क्लास हॉस्पिटल क्लास ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे जो हॉस्पिटल था सबसे पहला था इलिट क्लास। इलिट क्लास में क्या होता है, जो पेशेंट केयर और मेडिसिन के जो चार्जेस आते हैं वो ज़्यादा रहते हैं उसमें, उस हॉस्पिटल को बोलते हैं इलिट क्लास हॉस्पिटल। उसके बाद आता है सेकंड लो बजट हॉस्पिटल। लो बजट हॉस्पिटल में हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं सारे लो बजट हॉस्पिटल हैं। इसके बाद मिसलेनियस हॉस्पिटल, मिसलेनियस हॉस्पिटल में टीचिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो भी हमारे रिसर्च सेंटर है UG या PG के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वो सारे टीचिंग हॉस्पिटल है। और इसके बाद जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल, PSC, CSC, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सारे जनरल हॉस्पिटल हैं। इसके बाद आता है हमारे सिलेबस में हो गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के फंक्शन और टाइप ऑफ हॉस्पिटल। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में कि उसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो सबसे पहले क्या होता है उसका जो गवर्निंग बॉडी है उस हॉस्पिटल को गवर्न कौन करता है, उस हॉस्पिटल को चला कौन रहा है, उसमें हमको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हमारा आता है गवर्निंग बॉडी मेंबर हैविंग द एक्सपीरियंस नॉलेज, जिनका एक्सपीरियंस है नॉलेज है और क्वालिफाइड है। इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे क्या क्या आते हैं? ऑन विलेज लेवल पे आता है हमारा PSC, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोला जाता है। सेकंड आता है CSC, कम्युनिटी हेल्थ हॉस्पिटल जो ब्लैक लेवल पे होता है, और इसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये तो हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले क्या हो जाते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके एक मिनिस्ट्री होती है फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, इसका जो कैबिनेट मिनिस्टर है सबसे ऊपर हो जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, इसके स्टेट मिनिस्टर के बाद हमारा उसका हेल्थ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद हमारे हो जाते हैं जो भी ये हैं CM डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर CMO, MOIC, ये सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट रैंक मिनिस्टर,
कैबिनेट मिनिस्टर के बाद हमारा दो इसमें डिवाइडेशन हो जाता है। सबसे पहला होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे पहले हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर दो लोग हो जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ और मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर इसके नीचे आ जाते हैं सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी के बाद आते हैं हमारा डीसीजीआई या डीजीएसएस। इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ में हमारा सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी के बाद हमारा हो जाता है डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद हमारे आते हैं एडिशनल डीजीएचएस, एडिशनल DGHS, एडिशनल DGHS के अंडर हमारे तीन पोस्ट आते हैं। सबसे पहले आता है डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फॉर मेडिकल केयर, डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज फॉर मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल। सेकंड जो आते हैं इनके नीचे वो होता है डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पब्लिक हेल्थ और जो थर्ड आते हैं डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सबसे पहले हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल में, जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं हेल्थ एडमिशन फॉर इंटरनेशनल हेल्थ मेडिकल केयर हॉस्पिटल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन फेलोशिप्स, ये सारे केयर किसके अंडर आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल। इसके बाद जो सेकेंड है डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ एंड कॉलरा, हेल्थ एजुकेशन, नेशनल मलेरिया इकार्डेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये सारे इसके अंडर में आती है डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो थर्ड है डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, वर्कशॉप, ये सारे इनके अंडर में आते हैं।
कार्नेशन ऑफ हॉस्पिटल में हम अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में हमारे दो, इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड, इनके नीचे दो लोग होते हैं। पहला होता है मिनिस्टर का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, और सेकंड होता है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दो स्टेट मिनिस्टर हो गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, दो स्टेट मिनिस्टर हो गए। पहला मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस इनके अंडर में फिर आते हैं सबसे पहले सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनके नीचे सेक्रेटरी, फिर उनसे नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे फिर डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे हमारा DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके बाद हमारा एडिशनल DGHS, DGHS के नीचे फिर आ जाते एडिशनल DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एडिशनल DGHS के नीचे आते हैं फिर तीन लोग और आते हैं इनके नीचे में, जिसको बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज फॉर मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल। एक डिप्टी डायरेक्टर ये होते हैं, सेकंड डिप्टी डायरेक्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ, और डिप्टी डायरेक्टर फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल के अंडर में हमारा जो भी सर्विसेज हैं, फेलोशिप है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें इनके अंडर में आती हैं। इसके बाद हम बात करें अगर स्टेट लेवल के, तो स्टेट लेवल में पहले आता है हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन से मिनिस्ट्री को होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनसे नीचे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर के बाद हेल्थ सेक्रेटरिएट, या हम जो बोलते हैं हेल्थ सेक्रेटरी इन चार्ज, हेल्थ सेक्रेटरी इन चार्ज। इसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डिप्टी डायरेक्टर के नीचे फिर आते हैं, इधर से कर लेते हैं, सबसे पहले एडिशनल डिप्टी ADHS मेडिकल एजुकेशन, AD एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन, इसके बाद ADHS एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, नर्सिंग,
उसके बाद ADHS, MCH, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, फैमिली वेलफेयर, ADHS न्यूट्रिशन, ADHS स्कूल हेल्थ, ADHS प्राइमरी हेल्थ, और ADHS हेल्थ एजुकेशन। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले क्या है, हेल्थ मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। उसके बाद उनके डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर के नीचे आते हैं हेल्थ सेक्रेटरी इंचार्ज, उनके नीचे आते हैं फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में कौन कौन आता है, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मेडिकल एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज नर्सिंग, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज MCH, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैमिली हेल्थ केयर, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज न्यूट्रिशन, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज स्कूल हेल्थ, एडिशनल डायरेक्टर प्राइमरी हेल्थ, एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हेल्थ एजुकेशन। ये सारे हमारे एडिशनल डायरेक्टर्स आते हैं। इसके बाद हम बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, सबसे पहले आते हैं CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, उनके नीचे में फिर जो भी हमारे CMS हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, CMS जो भी हॉस्पिटल में हैं CMS हैं, उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर में MOIC है, ये सारे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल्स का। अगर हम अब स्टार्ट टाइम हो गया, नहीं हो गया टाइम में कुछ